अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कथावाचक पंडित प्रभु नागर आज मालपुरा पहुंचे। सेगांव विकास खंड के ग्राम मालपुरा में विगत दिनों में कुछ लोगों के धर्मांतरण की घटना हुई थी, जिसको लेकर प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रभु नागर आज मालपुरा पहुंचे, जहां उनका मालपुरा वासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान श्री नागर जी द्वारा ग्राम वासियों को अपने उद्बोधन में समाज का महत्व बताते हुए कहा कि धर्म के कार्यों में आदिवासियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब तक आदिवासी लोगों के हाथ न लगे तब तक किसी भी प्रकार की कथा पूर्ण नहीं होती। भगवान राम को कभी माता कौशल्या ने अपना झूठन नहीं खिलाया था, किंतु प्रेम भक्ति में उन्हीं भगवान ने आदिवासी समाज की माता सबरी का झूठन खाया था। आदिवासियों की भक्ति आदि अनंत काल से चलती आ रही है। इस भक्ति को लोग भटकाने में लगे रहते हैं और वह आपका ध्यान विचलित करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। धर्म से जुड़े रहने से आपको भगवान के दर्शन जरूर मिलेंगे। मनुष्य जीवन अच्छे कर्मों से ही होता है जो हमें इस जन्म में मिला है। प्रभु नागर जी ने कहा कि हमें भगवान के नियमित रूप से आधे घंटे भजन करना चाहिए, कथा सुनना, कथा श्रवण करना, मतलब एक पुलिया का निर्माण करना जो हमें भवसागर से पार लगाएगी। इसलिए हम सबको भजन भक्ति से पुलिया निर्माण करना है। आप ये सब ठान लें कि आज नहीं तो कल भगवान पार लगाएंगे। समूह बनाकर सब धार्मिक कार्य करें, बिना समूह के कोई कार्य नहीं होता। हम सबका एकीकरण कथा से होता है, इसलिए नियमित कथा सुननी चाहिए। इसलिए भटके नहीं और किसी के बहकावे में ना आवें। होम नमो भगवते का जाप नियमित करें। इस दौरान मालपुरा वासियों द्वारा गुरु वचन के पश्चात प्रसादी वितरण किया गया। डिजाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट सेगांव।